विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोमि हम अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम् फिजिक्स पश्यामः। सो इन प्रीवियस सेशन वी स्टार्टेड विद द ह्यूज द मैसिव कंसेप्ट वाला चैप्टर विच इज लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके रिलेटेड बहुत सारे MCQs आते हैं। विल बी श्योरली डिस्कसिंग दोज MCQs, टेंशन वाले, कोलिजन वाले, इम्पैक्ट वाले एंड मैनी थिंग्स। बट फर्स्टली लेट्स फॉलो द ऑर्डर, जो थियोरेटिकल पार्ट है, और थियोरेटिकल पार्ट में भी फिजिक्स इज इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स, जिसमें भर भर के मैथमेटिकल इक्वेशंस होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं। सो वो हमें कभी कभी डिराइव करना पड़ता है, कभी कभी कुछ फिजिसिस्ट के द्वारा दिए गए होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड करने पड़ते हैं, क्योंकि सबका डेरिवेशन देखने जाएंगे, सो इट वुड बी सो ह्यूज एंड सो वास्ट सिलेबस। तो वो दो साल के JEE नीट के सिलेबस में जितना है उतना विल बी डिस्कसिंग। अभी नाउ विल बी गोइंग टूवर्ड्स अ सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबको लगता है कि ये क्या है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। ये मिसकंसेप्शन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ, दिस इज द एक्सप्रेशन, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, और लेट्स से अ फॉर्मुलेटिव फॉर्म ऑफ अ न्यूटन सेकेंड लॉ, वेर F, M, A में F इज अ फोर्स, M इज अ मास एंड A इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास गिवन बाय द फोर्स F. फोर्स इज अ कॉज ऑफ दैट दिस एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज एन इफेक्ट, जिसका कॉज है F, और जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है वो मास है M. बट दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉ। एक्चुअल लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, विच इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. And F is a force, and not only force, F is external unbalanced force. ध्यान रखो, तब ही जाके वो बॉडी को accelerate कर पाएगा या तो उसका momentum change कर पाएगा। Now shortly अभी discuss करते हैं कि linear momentum क्या होता है, इसके ऊपर भी हम detailed discussion करेंगे, लेकिन अभी जितना required है उतना। It is denoted by symbol P, it is a vector physical quantity. सो उसके ऊपर एरो आ जाएगा, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो पी बार इज एम डॉट वी बार, और सिर्फ सादे फॉर्म में लिखना है तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। पी इज अ लीनियर मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास होता है kg में एंड वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में। सो यूनिट ऑफ पी, ऐसा यूनिट ऑफ पी टू बी मोर प्रिसाइज, इज kg मीटर पर सेकेंड। सो ये जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी होता है रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोशन में। सो नाउ वी आर प्योरली डिस्कसिंग अ लीनियर मोशन, अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो लीनियर मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम होगा, तो दैट लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। अभी मुझे ना उसके पहले कुछ मिसकंसेप्शन रिमूव करना है, जो फंडामेंटल मिसकंसेप्शन साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली स्कूल लेवल से बाद में 11th और 12th में फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आते हैं, फिर भी वो मिस्टेक करते ही रहते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू MA, या तो ये ओम्स लॉ से स्टार्ट करता है। ये सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे हम, मैं ऑलरेडी उसका स्टेटमेंट बोल चुका हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ मास M. सो दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू MA कैसे आता है वो डिराइव करेंगे इसी स्टेटमेंट से, इसी लॉ से। लेकिन उसके पहले मिसकंसेप्शन क्या है ना, देखो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल्स टू IR. V इज इक्वल्स टू IR इज एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। अभी इसमें रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अगर कॉन्स्टेंट है, तो जनरली बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो ऐसा लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I. This is absolutely incorrect.
दिस इज एब्सर्ड स्टेटमेंट. अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखेंगे, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन. This V is a potential difference across any two point of a conductor, and I is a current flowing through the conductor due to the conduction of electron from which terminal to which terminal, negative terminal to positive terminal, and current will flow from higher to lower, मतलब positive terminal to negative terminal of a cell or a battery through the wire. अभी ये क्यों absurd है? इसमें V is a cause and I is an effect. I जो है वो इफेक्ट होता है. V इज अ कॉज इफ यू हैव अ बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, व्हाटएवर. सो उसके दो टर्मिनल होंगे, लेट्स से 9 वोल्ट बैटरी है, उसके दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. दिस इज अ कॉज. एंड इफ यू हैव एनी रैंडम वायर, जिसको रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसका रेजिस्टेंस होगा आर ओम, तो ये वायर में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. जब इस वायर के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को, दो टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, तब ही इसमें करंट आएगा. अंटिल एंड अनलेस दिस इज जॉइंड अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ बैटरी और टू पॉइंट्स ऑफ अ सेल, इसमें करंट पास नहीं होगा. तो करंट इज एन इफेक्ट जिसका कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस, और कॉज डिपेंड, कॉज जो है वो डिपेंड नहीं करता इफेक्ट पे, रादर इफेक्ट जो है वो कॉज पे डिपेंड करता है. इसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो कॉज जो है वो कारण है और इफेक्ट जो है वो कार्य है. आप वैशेषिक दर्शन की बात कीजिए या तो आप न्याय दर्शन की बात कीजिए, वो दर्शन शास्त्र में कार्य कारण भाव जो होता है, सो कारण जो होता है उसके वजह से कार्य होता है, ठीक है. तो वो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. लेकिन हम प्योरली फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो खाली ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है वो दर्शन शास्त्र में. लेकिन वो कार्य कारण भाव जो होता है उसमें कार्य जो होता है वो कारण पे डिपेंड करता है, उल्टा नहीं होता, इन्वर्स नहीं होता. कारण जो है वो कार्य पे डिपेंड नहीं करता. कारण सोचता है कार्य हो के ना हो, मेरा अस्तित्व है, फिर कार्य है कि नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये तो होगा ही. ये सेल अगर कारण है, इफ इट इज द कॉज ऑफ सम इफेक्ट, बट अगर वो इफेक्ट नहीं है फिर भी ये कॉज तो है ही. अगर ये वायर में से करंट नहीं भी पास होता, अगर रैंडम करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस वायर में से नेट करंट नहीं है, फिर भी ये जो है इसका अस्तित्व है. वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस 9 वोल्ट बैटरी विच कुड बी अ कॉज ऑफ करंट थ्रू दिस वायर. बट इवन दो इफ वी डोंट हैव करंट थ्रू दिस वायर, देर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस 9 वोल्ट बैटरी विच विल बी अ कॉज, विच वुड बी अ कॉज ऑफ दिस करंट. सो दिस करंट इज एन इफेक्ट एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है across the two points of the wire is a cause of this effect. So we should write this way, this is a proper. Current is directly proportional to potential difference. When we remove the potential difference ke samne jo proportionality hai, when we remove this proportionality sign, to ek constant aayega. That constant is conductance of the wire, which is 1 upon R, the inverse of resistance. And therefore we get the expression V is equals to IR. But actual Ohm's law is this, I is proportional to V. This is the misconception jo student likh dete hai, bolte hai kya farak padta hai, bahut farak padta hai. Aap pedal maar rahe hai isliye cycle aage move kar raha hai, ki cycle aage move kar raha hai isliye aap pedal maar rahe hai. Pehle aapne pedal mara fir cycle aage move kiya, aapne switch on kiya tab jaake fan rotate karna start hua. ऐसा नहीं है कि फैन रोटेट हुआ बाद में आपने स्विच ऑन की. फर्स्ट कॉज आता है, बाद में इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट कितना होगा, किस हिसाब से होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कॉज पे डिपेंड करता है. तो ये बताने का कारण क्या है ना, क्योंकि अभी मैं लिखने जा रहा हूं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका लॉ कुछ ऐसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. इसमें मिसकंसेप्शन क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट एट ऑल. भले सेम एक्सप्रेशन मिले, दिस इज नॉट द लॉ, दिस इज एब्सर्ड स्टेटमेंट, गलत है ये. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, दिस इज एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स बिकॉज डीपी बाई डी टी is an effect जो डिपेंड करता है फोर्स पे, विच इज अ कॉज ऑफ दिस इफेक्ट.
ओके और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगी तो यूनिटी आएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो, और हम ऐसा लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ, और वो जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो प्रैक्टिकल से ही हमको पता चल पाएगा, लेबोरेटरी में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे या तो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से या तो किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से भी प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है। जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कंडक्टेंस है 1/R विच इज रिप्रेजेंटेड एज जी, कंडक्टेंस ऑफ अ वायर। ओके नाउ एज वी नो दैट पी इज इक्वल्स टू एम वी, मैंने बोला ना ये यूज करेंगे हम, पी इज इक्वल्स टू एम वी, सो हियर वी कैन राइट पी एज एम वी, सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एम वी इज इक्वल्स टू एफ। अभी दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो है पहले बहुत सारे एक पेशेंट होता है और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर एंटर होता है, डॉक्टर इज एन ऑपरेटर और वो ऑपरेशन करने वाले हैं पेशेंट पे, तो वो बाकी जो भी उनके रिलेटिव्स है जो भी है उनके फ्रेंड्स उनको बोलते हैं आप बाहर जाइए, बराबर है ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाइए। सो इन द सेम मैनर दिस डी बाई डी टी इज एन ऑपरेटर, इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, वी हैव मेनी मैथमेटिकल ऑपरेटर, वी हैव डेल ऑपरेटर विच इज पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, और जिससे डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं हम, वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आता है और वो फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वो इक्वेशन दिए है बहुत सारे। वी हैव इंटीग्रल ऑपरेटर एंड दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, वी हैव नेबला, वी हैव मेनी ऑपरेटर विच विल बी डूइंग सम ऑपरेशन ऑन अ गिवन फंक्शन। सो राइट नाउ अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मास जो है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है हमेशा, मास डिक्रीज या तो इंक्रीज नहीं हो रहा है गिवन केस में, तो ये मास जो है उसको बाहर निकाल देंगे ऑपरेशन थिएटर के, तो वो बन जाएगा एम। तो ऑपरेशन किस पे होगा, डी बाई डी टी ऑफ पेशेंट वी है इसलिए वी पे होगा, ठीक है ना, तो इसलिए एम को बाहर निकाल दिया, ये डी बाई डी टी इज एन ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो। अभी ये dv by dt होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हेंस दिस इज m इंटू ए विच इज f, और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है फिजिकल्स टू एम है, इसके सामने गलत लिखा है, मतलब ये गलत है ऐसा नहीं है, बट दिस इज द एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल, प्योरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके कुछ वैल्यूज होंगे 10 न्यूटन, 50 किलोग्राम और कुछ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन होगा, तो f न्यूटन, m किलोग्राम एंड a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो प्योरली एक मैथमेटिकल कुछ नंबर्स आएंगे अलोंग विद सम यूनिट, लेकिन लॉ ये है कि वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये मिसकंसेप्शन हटाना कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है, बहुत सारी जगह पे शायद सॉल्व करते, मैंने ये ध्यान रखा ही है कितने भी चैप्टर हो, इलास्टिसिटी हो, सर्कुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, MEEC हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, मैग्नेटिज्म हो, रे ऑप्टिक्स हो, जहाँ जहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट आता है वहाँ मैंने ध्यान रखा ही है कि कॉज और इफेक्ट में इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉज, एक्सटेंट ऑफ कॉज विल डिसाइड द एक्सटेंट अप टू विच वी विल गेट द इफेक्ट, ठीक है, जैसे बादल जो है वो कॉज है, उसके कारण बारिश आएगी, तो वो अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डेंस्ड होंगे, ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, तो कंडेंसेशन जो है पानी जो बारिश का नीचे आना है वो ज़्यादा होगा, सो वो कॉज पे डिपेंड करता है कि इफेक्ट कैसा होगा, कितना होगा, तो ये आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज फिजिक्स में ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लो, आप ऑप्टिक्स लो, मैकेनिक्स में तो अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स लो, बहुत सारे टॉपिक में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है, प्रोपोर्शन कौन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ इक्वल्स टू एम एंड दिस इज द एक्चुअल लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम टू बी मोर प्रिसाइज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन मास और अ गिवन सिस्टम। सो दिस इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसको हम यूज कर रहे हैं बहुत और यूज करते आ रहे हैं स्कूल लेवल से, ये यहाँ पर भी यूज करेंगे, ये बहुत ही यूज होने वाला है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए,
या तो ए को भी नेट लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन. ओके, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ए नेट. ओके, दिस इज द फाइनल नेट एक्सेलरेशन एंड दिस इज द नेट फोर्स. क्योंकि एक ही बॉडी पे ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे फोर्स एक्ट हो सकते हैं. सो वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज फोर्स एफ वन, दिस इज फोर्स एफ टू एंड दिस इज द पॉइंट मास एम. सो इट डिपेंड्स कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे. अगर एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है सो एफ वन हैज टू बी ग्रेटर देन एफ टू, क्योंकि वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर खींच रहा है और नीचे भी खींच रहा है, लेकिन ऊपर का खिंचाव ज्यादा है क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है. सो एफ वन हैज टू बी ग्रेटर देन एफ टू. सो वॉट विल बी एफ नेट? एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ वन माइनस एफ टू. और माइनस क्यों करते हैं? वेक्टोरियल कंसेप्ट, वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल से सब्ट्रैक्ट किया. तो इधर लिखेंगे एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल्स टू एम ए. दिस ए इज द नेट एक्सेलरेशन, नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन एंड दिस एफ वन माइनस एफ टू इज द नेट फोर्स, एम इज अ मास. तो ये ध्यान में रखेंगे आप, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए नेट. सो दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी एक बच गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में. बहुत ही छोटा होगा वो सेशन, बहुत ही सिंपल है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन के बारे में बात है, लेकिन फिर भी हम वो डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ यहाँ पर डिस्कस करके ऑल थ्री लॉज टुगेदर विल बी डिस्कसिंग. तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः. So you can easily associate with Jnan Freedom by just subscribing our YouTube channel, or you can visit the website www.jnanfreedom.com. Yes, we are Jnan Freedom and our vision is to have Shaishanik Swatantrata. Please subscribe the channel and thank you for watching this.